और अब बात करते हैं राजस्थान के जालौर की, जहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको बताएं कि सुंदा माता की पहाड़ियों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात जो है वो पूरी तरह से बाढ़ जैसे वहां पर नजर आ रहे हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब की मार जो है वो भी राजस्थान भी उस वक्त झेलता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों से लेकर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। रास्तों पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सैलाब देखिए, ये जालौर की स्थिति है, जहां पर पहाड़ी पर हो रही लगातार बारिश की वजह से सैलाब की मार कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है जालौर में, राजस्थान में, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सुंदा माता की ये पहाड़ी, जिस पर लगातार हो रही बारिश की वजह से लगातार जो पानी है वो सैलाब की तरह पूरे इलाके में बह रहा है। लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। दो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कुछ हालात है, सड़कों पर कैसे सैलाब इस वक्त आया हुआ है। ये पहाड़ी पर हो रही बारिश की वजह से लगातार जिस तरीके से बारिश है पूरे इलाके में, लोगों का जो जीना है वो बहाल हो चुका है पूरे राजस्थान में, क्योंकि फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट है। और दूसरी तरफ देखिए, भारी बारिश की वजह से क्या कुछ हालात इस वक्त सैलाब के नजर आ रहे हैं राजस्थान जालौर में, जहां पहाड़ी पर हो रही बारिश की वजह से पूरे इलाके में सैलाब आया हुआ है। सड़कें सैलाब में पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं, पूरी तरह से घिरी हुई हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और लगातार प्रयास भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लगातार जो कोशिशें हैं वो भी प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुकी हैं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और भाई दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से, जहां पर लगातार भारी बारिश चल रही है, लेकिन इसके बीच भी मर्डर रेप मामले को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। न्याय की मांग को लेकर लगातार जो लोगों का आक्रोश है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर्स भी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस भारी बारिश में भी मर्डर और रेप महिला डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से किया गया, उसके लिए न्याय की मांग यहां पर तमाम ये प्रदर्शनकारी इस भारी बारिश के बीच भी कर रहे हैं। न्याय की मांग की जा रही है, दो तस्वीरें आप यहां पर देखिए लगातार। और सबका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहां पर बेटी को, तब तक किसी तरह प्रदर्शन चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरपुर की कर लेते हैं, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। लेकिन क्या पूरा मामला रहा, देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो एक मंदिर परिसर का है, जहां तीन लोग मिलकर एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। आसपास कोई बचाने वाला भी नजर नहीं आ रहा। एक महिला पीछे खड़ी दिखाई दे रही है, उसकी गोद में बच्चा है, इसलिए वो चाहकर भी मदद नहीं कर सकी। एक पक्ष के तीन लोगों ने मिलकर युवक को बुरी तरह पीटा। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर जाता है तो उपद्रवी यहाँ भी नहीं बाज आते हैं। वो लगातार एक के बाद एक थप्पड़, लात, घूंसे मारते रहते हैं। पीछे खड़ी महिला घबराहट के मारे शायद किसी को फोन करने की कोशिश करती है। तीन लोग लगातार उस अकेले युवक को पीटते रहते हैं। एक शख्स ने तो युवक पर फावड़े से भी वार किया, जिस पर महिला उसे रोकती है लेकिन असफल रहती है। दरअसल वीडियो 19 अगस्त का है, जब मीरापुर के योग माया मंदिर में दोनों पक्ष पूजा करने आए थे। उसी दौरान शायद किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले के बाद देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। ना सिर्फ डॉक्टर्स में बल्कि आम जनता भी नाराजगी व्यक्त कर रही है और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा का क्या। अब इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, देखिए रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टरों को भी सुरक्षा को लेकर खतरा सताने लगा। कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इस घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की मांग की गई। इस बीच जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, GMC अस्पताल और श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है।
आपको बता दें कि जम्मू का जीएमसी अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल है जहां मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात है। अस्पताल में 15 महिला अधिकारियों समेत कुल 34 पुलिसकर्मी 2400 घंटे सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। ये पुलिसकर्मी इमरजेंसी विंग, शव गृह, इंडोर वार्ड, सीढ़ियां और ओपीडी में तैनात रहेंगे। देखा जाए तो इस कदम से जीएमसी जम्मू ने डॉक्टरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही बात करते हैं बांग्लादेश की। जिस तरीके से बाढ़ और बारिश ने बांग्लादेश के लोगों का भी जीना मुहाल किया हुआ है, राजनीतिक संकट से एक तरफ बांग्लादेश के लोग जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी और आने वाले दिनों में भी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखिए इस रिपोर्ट। पानी के बीच फंसी कितनी जिंदगियां और कितनी ही सांसें थम गई, तस्वीरें बांग्लादेश की हैं जहां देश के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ कहर बनकर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। ढाका में भी पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ में कई इमारतें पानी में डूब गई तो कुछ बिल्डिंग की छत तक पानी पहुंच गया। तेजी से बढ़ते पानी के कारण अजीब का घर और फसलें नष्ट हो गई है। कई लोग बिजली, भोजन और पानी के बिना रह रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए बांग्लादेश सेना ने प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री और सूखा भोजन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश बंद हो गई है लेकिन बाढ़ से फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आगे दिखाएंगे खबरों का सैलाब सुपर फास्ट 100 में। आप देखते रहे रिपब्लिक भारत।